हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। तो मैं आज बनाने जा रही थी मूंगफली की चटनी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया, अच्छी तरह से मैं इसे भून लूँगी चलाते हुए। ये अच्छी तरह से भून जाएगा, उसके बाद मैं इसके छिलके को निकाल लेती हूँ। थोड़ा बहुत रह जाए कोई बात नहीं। उसके बाद लहसुन, थोड़ा सा अदरक और लाल मिर्ची तीन चार लेके उसे भी मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इन सबको मैं एक मिक्सी जार में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इन सबको अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा नींबू का जूस डाला मैंने, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला, कोई भी तेल डाल सकते हो। अब इसे मैं पीस लिया है। ये दरदरा ही होता है, ऐसा ही होता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पर हम इसे रोटी के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यम्मी, ऐसे ही मैं आज ब्रेकफास्ट खाऊंगी रोटी और ये थोड़ा सा चटनी लेके, बहुत ही अच्छा लगता है। आप सब भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा ये सूखा वाला मूंगफली की चटनी। फ्रेंड्स, आप सबको मेरा बनाया हुआ ये मूंगफली का चटनी कैसा लगा बताइएगा, और आप सब भी ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है।